पे क्यों जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है जोर नहीं देती, लोगों को क्यों पोर्ट्रेट उनका सही वाला नहीं देखने देती, वेस्टर्नर्स को क्यों नहीं बताती कि दैट वाज अ रॉन्ग परसेप्शन, क्या कारण है? देखिए, आपने एक बहुत ही टची चीज़ को पकड़ा है और उसकी एक कुछ हिस्ट्री है। मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई बहन भी इस शो को देख रहे होंगे और उन्हें गुजरात के दंगों को लेकर के हमेशा वन साइडेड कहानी ही सुनाई गई है, तो मैं यहाँ पर कुछ मिथ्स को बर्स्ट करना चाहूँगा। अक्सर ही बताया जाता है, पाकिस्तान के अंदर तो यही खबरें जाती हैं कि मोदी के राज में 2000 मुसलमानों को मार दिए, लेकिन एक्चुअल फिगर 2000 नहीं है। वैसे मुझे शर्म आ रही है ये नंबर्स बोलने में, ये कोई खुशी का मौका नहीं है, ये कोई खुशी की चीज़ नहीं है कि मैं ये कहूँ कि 790 मुसलमान मारे गए थे और 240 हिंदू मारे गए थे। ये पार्लियामेंट्री ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट थी जो कांग्रेस के राज में बाद में मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब टेबल हुई थी, और उस रिपोर्ट के ये फिगर्स हैं, 790 मुसलमान मरे, 240 हिंदू मरे। ये बहुत बदकिस्मत नंबर है, लेकिन ये फैक्ट्स हैं जो कांग्रेस के राज में आए थे। अब इमीडिएट रीजंस ये थे कि साहब एक ट्रेन थी जो अयोध्या, जो हिंदुओं का एक बड़ा, जैसे मुस्लिम भाई बहनों का जैसे मक्का या मदीना होता है, वैसे अयोध्या राम जी का जन्मस्थल माना जाता है, वहाँ से तीर्थयात्रियों की एक ट्रेन अयोध्या से लौटी थी। वो गुजरात के गोधरा स्टेशन के ऊपर थोड़ा सा आउटपोस्ट पे खड़ी हुई थी, और उसमें जो यात्री थे, तीर्थयात्री थे, कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, कुछ RSS के काडर थे जिनका अयोध्या में आना जाना लगा रहता है। अचानक, एंड आई से दिस विथ लॉट ऑफ डिसमे एंड लॉट ऑफ एम्बेरसमेंट, कि अचानक करीब 1000 मुसलमानों की भीड़ उस ट्रेन के उस डब्बे में पहुंचती है जहां पर इन लोगों के रिजर्वेशन थे, बोगी नंबर S6 और S7, इसे घेरती है। अचानक पथराव शुरू होता है और पेट्रोल में भिगो भिगो कर रुई के गद्दों को और तकियों को अंदर फेंका जाता है और आग लगाई जाती है, जिसमें 59 हिंदू जिंदा जलकर मर जाते हैं। 28 फरवरी सन 2002 का दिन था, सुबह 9:30 के आसपास का वक्त था। इसमें 59 जो हिंदू जलकर मरते हैं, जैसे कि आपको जानकारी, इंडिया में जो स्लीपर डब्बे होते हैं उनमें 72 लोगों की सीटें होती हैं, तो 72 में से 59 लोग जलकर मर गए, उनमें 40 औरतें थीं और बच्चे थे। अब इसके बाद में 3 मार्च से बदकिस्मती से इंडिया में दंगों का इतिहास बहुत पुराना है, ये कोई मोदी राज के साथ में चालू नहीं हुआ है। ये मैं कह रहा हूँ, मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूँ, ना मैं कोई BJP का मेंबर हूँ, लेकिन ये रियलिटी है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों का दंगों का इतिहास बहुत पुराना है। बदकिस्मती से दंगे हो जाते हैं 3 मार्च से। जब शुरुआत में इस खबर को थोड़ा दबाया गया, लेकिन जब 59 लोग जिंदा जलकर उन पापड़ जैसे बन गई वो लाशें, और उन लाशों को जब ट्रांसपोर्ट किया गया था, तो वो लाशें जहाँ जहाँ से गुजरी वहाँ से ये खबर फैलती चली गई, और 3 मार्च से दंगे फसाद चालू हुए, जिनमें बदकिस्मती से जो मैं फिगर्स मैंने आपको बताई उतने लोग मारे गए थे। अलबत्ता दूसरे फैक्ट्स जो हैं उन पर पर्दा डाल दिया जाता है। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी भी राज्य में दंगे शुरू होते ही 48 घंटे के अंदर अंदर वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने आर्मी को आने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया हो। 5 मार्च का दिन था, आर्मी की टुकड़ियां पहुंच गई थी फ्लैग मार्च करने के लिए। दूसरी बात, ऐसा पहली बार हुआ इंडिया में कि पुलिस की गोलियों से 100 हिंदू दंगाई मारे गए थे। ये फैक्ट्स हैं, ये डॉक्यूमेंटेड फिगर्स हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। और ऐसा पहली बार हुआ था कि इस तरह से कट्टर जो मुस्लिम्स के अंदर जो कुछ कट्टर और ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने वहीं के पास में गोधरा में करीब 50-60 मस्जिदें, छोटा सा कस्बा है लेकिन 50-60 मस्जिदें हैं, हो सकता है उनमें से कुछ मस्जिदों को सऊदी फंड्स आते हों, जहां पर वो वहाबिज्म की जो एक्सट्रीम हार्ड लाइनर आइडियोलॉजी वहां से वो प्रोपोगेट करते हैं। एक मस्जिद से मोबिलाइज हुई थी वो मॉब जिसने ट्रेन को घेरा था और जिस तरह से जलाया गया, ये भी पहला मौका था इंडिया के अंदर। ये उसका इमीडिएट रीजंस थे। इसके पीछे हिस्ट्री का थोड़ा सा और पीछे अब जाएंगे तो गुजरात की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त। ये मार्च 2002 की बात है, उससे 2.5 महीना पहले जब दिवाली के आसपास का वक्त था,
तब ही मोदी जी को पैराड्रॉप किया गया था अटल जी और आडवाणी जी के कहने पर, उनको सीधे उठाकर चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। वे गुजरात में उसके पहले कभी असेंबली के मेंबर तो क्या, चुनाव लड़ना तो क्या, वे कभी किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी चुनाव नहीं लड़े थे, वे कोई इलेक्टेड फिगर नहीं थे। और उस वक्त गुजरात में बहुत कई बरसों से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चली आई थी, हर छठे आठवें महीने में चीफ मिनिस्टर बदलते थे, और जो वहाँ की जो लोकल बीजेपी, स्टेट बीजेपी थी, उसके अंदर बहुत सारे गुट बने हुए थे और गुट आपस में ही लड़ते रहते थे। वो हालांकि बीजेपी मेजॉरिटी में थी, लेकिन फिर भी कोई एक तगड़ा लीडर नहीं था। कांग्रेस बहुत होपलेस कंडीशन में थी, लेकिन फिर भी वो इस इनफाइटिंग को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करती थी। कई सालों से ही चल रहा था, तो आप ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी। जब किसी भी जगह पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उसकी मार पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेशन ढीला हो जाता है, पुलिस ढीली हो जाती है, और पूरी सोसाइटी में भी एक एजिटेशन हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों की रोशनी में एक नए आदमी को आप उठाकर चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, जिसके ज़्यादा सपोर्टर्स भी नहीं थे। और इंडिया में ऐसा होता है कि काफ़ी चीज़ें इंटरपर्सनल तरीके से होती हैं। चीफ मिनिस्टर की उस वक्त हो सकता है वहाँ के पुलिस वालों से भी ज़्यादा जान पहचान ना हो, पुलिस वाले सुनते ना हो, इवन खुद अपनी ही पार्टी के लोग ऐसे मौके पर नए मुर्गे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको यहाँ पे इसलिए ठोक रहा हूँ, आपकी पूरी कहानी हम तक पहुँची और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने फैक्ट्स के साथ बात की, ये वो फैक्ट्स है जो हमारे दर्शकों को जानने की ज़रूरत है। आपने एग्जैक्ट नंबर बताए कि हुआ क्या, इंसिडेंट क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ, मगर उसके बाद हम देखते हैं कि वो ना तो मोदी साहब ने किया था, मोदी साहब ने कंट्रोल किए, और उसी स्टेट में जहां ये इंसिडेंट पहले हुआ करते थे, फिर हमें आगे ये पता चलता है कि उन्होंने मैक्सिमम उसको कंट्रोल किया। मैं कनाडा में गवाह हूं, जब मोदी साहब हार्पर गवर्नमेंट के ज़माने में यहां पर आए थे तो सबसे बड़ा डेलीगेशन गुजराती मुसलमानों का उनके साथ मिला था, और कितने प्यार से वो मिले थे। मैं इस वक्त काश में रेडी होता तो मेरे पास वो वीडियो में दिखाता अपने दर्शकों को। ये तो वो फैक्ट है। अब देखिए एक चीज और, जी, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि उन दंगों के बाद मोदी जी, ये फैक्ट है जी, एक के बाद में तीन इलेक्शन जीते हैं, पांच पांच साल, बिल्कुल ऐसा ही। अगर उन्होंने दंगे करवाए होते जैसा कि लोग बोलते हैं, नहीं वो तो एक सिस्टेमिक कैंपेन है ना उनके खिलाफ डेमोनाइज करने की, तो कोई तो गुजरात की जो पब्लिक है इंडिया की सबसे ज्यादा एजुकेटेड पब्लिक में से मानी जाती है, वो इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि किसी मास मर्डरर को एक के बाद में एक तीन इलेक्शन जिताएगी। और दूसरी बात यह है कि एक बार जब ये जम गए वहां पर, तो इतिहास साक्षी है, तारीख गवाह है कि उसके बाद में फिर गुजरात में कभी कोई दंगा नहीं हुआ जी। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आज भी इस आदमी की तनकीद करने के लिए लोगों को कुछ और नहीं मिलता है तो 17 साल पीछे जाते हैं, राइट मतलब 17 साल से ये आदमी लगातार या तो गुजरात का चीफ मिनिस्टर था या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था। इन 17 सालों के कालखंड में इस आदमी के खिलाफ बोलने के लिए किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब तो वो ये जो 17 साल पीछे जाना पड़ता है लोगों को। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है।